नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अग्निवीर अग्निपथ परियोजना, और इस अग्निपथ परियोजना का जो विरोध है वो एक्चुअली सामान्य विरोध नहीं है। इसकी स्ट्रेटजिकल महत्व को समझने के बाद बाकायदा इस पर विरोध करना शुरू किया, जैसे ये बिल्कुल वही राह है जिस पर CAA का हो रहा था, यानी कि कारण कोई नहीं है लेकिन विरोध करना है। जिस पर किसान मूवमेंट हो रहा था, कारण कोई नहीं है, ये नहीं बता पाएंगे कि उसमें कमियां क्या है लेकिन विरोध करेंगे क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं है। और ये बिल्कुल उसी रास्ते पर चल पड़ा है कि हम विरोध करेंगे विरोध के नाम से। क्या है कारण? कारण ये है कि जो मैंने कहा था कि जिन्ना की बुद्धि को रखने वाले, जिन्ना की पॉलिसी को समझने वाले, जिन्ना की पॉलिसी को देश में अप्लाई करने वाले, या जिनके समझ में ये आया था कि हंस कर लिया है या लड़कर लिया है, पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसा कुछ जिनके दिमाग में है, वो सब अब पछताने वाले हैं। मेरा मानना है कि अग्निपथ जैसी स्कीम अगर पृथ्वीराज चौहान के समय पर शुरू ही होती तो भारत गुलाम ही ना होता। मेरा मानना है कि अगर ऐसी स्कीमें पहले से शुरू की गई होती या इस तरह के प्रोजेक्ट भारत में चलाए गए होते तो भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता था, है क्या? क्योंकि एक बात जो सबको समझ में आनी चाहिए कि 1857 की क्रांति, जो भारत की पहली अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति कही जाती है, वो क्रांति भी हम इसलिए हारे या उससे पहले भी राजा इसलिए हारते रहे, भारत गुलाम इसलिए रहा, क्योंकि हमने ये कहा कि क्षत्रियों को हमने ये दायित्व दिया है, क्षत्रिय लड़ेगा, बाकी सब मैदान के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। और बाहर खड़े हुए लोग, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर एक एक पत्थर भी मार देते विदेशी आक्रांताओं के ऊपर तो विदेशी आक्रांता भारत में सर्वाइव नहीं कर सकता था क्योंकि वो मुट्ठी भरते। और हमने ये मानकर चला कि ये काम सेना का है, हमने ये मानकर चले कि ये काम राजपूतों राजाओं का है और उनको नेतृत्व है, वो राज कर रहे हैं, ये वो लड़ेंगे। अगर उस समय भी ऐसे तैयारी की गई होती कि घर घर में कोई ऐसा व्यक्ति तैयार होगा जो कि युद्ध लड़ सकता है, जो कभी भी आवश्यकता पड़े तो ऐसे करोड़ों लोग तैयार हो सकते हैं जो लड़ाई लड़ेंगे, जो देश को बचाएंगे, जिनको देश मालूम हो, जिनको मानवता मालूम हो, जिनको देश का इतिहास मालूम हो और देश के लिए जीने मरने का जज्बा हो, ऐसे सभी लोग। ये मामला नौकरी का है ही नहीं कि साहब हमारी जॉब आप लगा रहे हो तो 4 साल के लिए लगाओगे, ये तो देश में जज्बा पैदा है, जज्बा है और देश को बचाने की प्रक्रिया में हम कितने सक्रिय, कितना युवा, जिस समय युद्ध होता है, जिस समय समस्याएं खड़ी होती हैं, जिस समय यहाँ तक कि पत्थरबाजी होती, तो कितना युवा अपनी जान की परवाह किए बगैर डिफेंड करना शुरू करता है। आपने चंदेश्वर हांता देखा होगा, 12-15 बच्चे पुलिस की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि 4-5 ही पुलिस वाले थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए हजारों की भीड़ से लड़ गए। अगर ये प्रशिक्षित होते तो, अगर ये आर्म फोर्सेस से निकले हुए होते तो, अगर ये वही 4 साल का जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उससे निकले होते तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अच्छी डिफेंड करते। जब बिना प्रशिक्षण के डिफेंस ऐसी है तो फिर प्रशिक्षित जो आर्मी का व्यक्ति होता वो कैसा होता। और ये जो लड़ रहे हैं, जो बॉर्डर पर लड़ने वाले लोग हैं, जो लगातार देश के अंदर लड़ रहे हैं, देश में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, देश में जिहादी मानसिकता से लड़ रहे हैं, आक्रांताओं की मानसिकता से लड़ रहे हैं, ये कोई नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं लड़ रहे। ये नहीं है कि साहब हमें नौकरी आप दोगे। ये वो लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश को बचाने के लिए किसी भी हद पर उतर जाते हैं। मोदी जी की अग्निपथ की पॉलिसी में 2-3 बातें जो लोगों को समझ में आई होंगी और जो बरगलाया जा रहा है, मैं उसके विषय में बताऊं। पहले तो विदेशी आक्रांता या जो परधर्मी हैं, जो भारत को भूमि को अपनी भूमि नहीं मानते, जो अपने आकाओं को या तो कहीं अरब में ढूंढते हैं या बेथलेहम में ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को जब आप स्कीम का नाम अग्निपथ रखें और उन योद्धाओं का नाम अग्निवीर रखें तो अग्नि पूजकों को आप क्यों पूछ रहे हैं, अग्नि को क्यों लेकर आए हैं? अग्नि पूजकों के साथ ही तो विरोध है, एक बात ये आ जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब 17.5 साल का बच्चा, 21 साल, 17.5 से 21 साल का बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा,
और सेलेक्ट होने के बाद वो पूरा युद्ध अभ्यास सीख लेगा, 4 साल की सेवाएं दे देगा, 3.5 साल मान के चलिए, 6 महीने ट्रेनिंग देंगे 3 साल, तो ऐसा वो बेरोजगार युवा जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके परिवार के पास भी ऐसी धन संपदा नहीं है, उसको आसानी से अगर थोड़ी मशक्कत करने के बाद जॉब मिलती है, 30,000 से 40,000 रुपए का जॉब मिल जाता है, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाता है, इसके अतिरिक्त उसका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है, और नौकरी समाप्त होते समय 10 से 15 लाख रुपए तक मिल जाते हैं, और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट मिलता है जो देश सेवा का मेडल है, जिसके आधार पर वो और नौकरियां कर सकता है। तो आप सोचो कि देश में अगर आप 50,000, 1 लाख, हालांकि टारगेट 1,60,000 का है कि अभी कुछ वर्षों में 1,60,000 प्रतिवर्ष भर्ती होने लगेंगे, क्योंकि अभी वो रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं, अभी तो 46,000 उन्होंने कहा कि हम इस साल भरेंगे, लेकिन फिर 1,20,000 और उसके बाद 1,60,000 प्रतिवर्ष, 1,60,000 प्रतिवर्ष जब आप करेंगे तो 40,000 रिक्रूटमेंट तो वो कर लेंगे और बाकी के 1,20,000 बाहर आ जाएंगे। 1,20,000 लोग हर वर्ष इस तरह से पैसा लेकर, ट्रेनिंग लेकर, परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करके, एक तरफ लगातार देश में कहा जा रहा है कि भाई बेरोजगारी बहुत है, आप 30,000, 40,000, 50,000 का जॉब नहीं दे पा रहे, तो 30,000 से 40,000 का जॉब की व्यवस्था कर दी, 10 से 12 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। अब ये जब लौट कर आएगा, तमाम तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, उसमें जाएगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो खटक रही होगी, वो खटक ये रहा होगा कि ये जो व्यक्ति है सेना में भर्ती होगा, सेना में भर्ती का मतलब वो ही सेना में भर्ती होगा जिसने बहुत शारीरिक मेहनत करी है। अब जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते, जो 4 बीवी 14 बच्चे हैं जिनके, और जो 3 साल का 4 साल का बच्चा होते ही पंचर की दुकान पर भेज देते हैं, वो कब तैयारी करेगा, कब शारीरिक तैयारी करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे क्या करेगा, और कैसे वो कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएगा, तो वो तो बाहर ही जाने वाला है। वो अगर बाहर रहने वाला है तो रिक्रूटमेंट उन सनातनी संस्कृतियों के रहने वाले करने मानने वालों का है, जो लोग भारत भूमि को अपनी भूमि मानते हैं, बिना जॉब के भी भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रण लेते हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार घूमते हैं, इन लोगों को अगर आप ट्रेंड कर देंगे, और इसके बाद जैसा बीजेपी शासित प्रदेशों ने कहा है कि जो अग्निवीर होंगे इन सबको हम अपने यहाँ जो पुलिस सर्विसेज है या पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं या प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, इनमें उनकी भर्ती कर देंगे। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी एजेंसियाँ जितनी काम करती हैं उनमें इनकी भर्ती हो जाएंगी। इसके बाद भी बचते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि हिंदू समाज जो कंपनियां चलाता है उसमें सिक्योरिटी रखने वालों को अग्निवीर के आधार पर रखा जा सकता है, भाई अग्निवीर है ये अच्छी सिक्योरिटी देखेगा। देश में बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां भी अग्निवीरों को रखेंगी, और अगर फिर भी बच जाते हैं तो प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंटों ने कहा है, बीजेपी शासित स्टेट गवर्नमेंटों ने कहा कि भाई हम इनको अपने यहाँ प्लेसमेंट में वेटेज भी देंगे। हो सकता है कि भविष्य में ये कंपल्सरी कर दिया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि अगर केंद्र चाहे तो भारत के प्रत्येक युवा को या भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज के लिए बाध्य कर सकता है, और उस समय कोई फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है, आर्टिकल 16 में। तो आप सोच लीजिए, जब आपके पास ये व्यवस्था है कि कंपलसरी कर सकते हैं, तो मोदी सरकार तो बड़े शार्पली करती है, उसने ये कंपलसरी तो नहीं किया लेकिन एक बड़ा पिटारा खोल दिया, और उसमें इन बच्चों को लेने वाले, हालांकि फौज में कमी आएगी ऐसा वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि 25% हम इनमें से जो सबसे हमें अच्छे लगेंगे वो हम रोक लेंगे, जो परमानेंट रेगुलर सेवा में रहेंगे अगले 15 साल तक सर्व करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि 21 साल जो 17.5 साल, 18 साल की उम्र में जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो 22 साल में मुक्त हो जाएगा। 22 साल के बच्चे की तैयारी यहाँ पर भारत में तो कुछ छोटे जॉब छोड़ दीजिए जो हाई स्कूल इंटर वाले हैं, बाकी सब 20-22 के बाद जॉब ही शुरू होता है। PCS का एग्ज़ाम, IAS का एग्ज़ाम और जो एग्ज़ाम है वो 21 साल के बाद शुरू होते हैं, 22 साल के बाद शुरू होते हैं। अगर आपने 21 साल के बच्चे को भी ले लिया तो भी वो 25 साल की उम्र में छूटने वाला है। 25 साल 4 साल नौकरी करने के बाद 25 साल की उम्र में वो बड़ा बलिष्ठ और देश की रक्षा करने के उद्देश्य से उतरने वाला। अब देश में ये जो पत्थरबाज हैं,
देश में ये जो देश का बिगाड़ने वाले हैं, जो जनसंख्या बढ़ाकर देश को गलत सोचने वाले हैं, आप इन अग्निवीर जब हर मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे कि 100-200 लोगों की आबादी में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग अग्निवीर हैं, और अग्निवीर उनमें से आ नहीं सकते जो 10 बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था ही नहीं है कि वो तैयारी करके आएं। तो भारत को जो दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी है वो पॉलिसी तो फेल हो जाती है। यानी कि अब अगर हमारे पास 12 लाख रेगुलर सेना है तो लगभग आज के 10 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद 50 लाख अग्निवीर भारत में होंगे जो विभिन्न प्रकार के रिक्रूटमेंट में होंगे। ये भी संभव है कि आवश्यकता पड़े तो लाइसेंसिंग पॉलिसी में भी रख दिया जाए कि उनको ही हम लाइसेंस देंगे जो अग्निवीर होंगे। यानी कि अग्निवीर चूंकि अच्छे लाइसेंस वो शस्त्र को ट्रेंड होंगे इसलिए उनको दिया जा सकता है, वो लोकल सुरक्षा में सबसे आगे होंगे। तो 12-15 लाख आपकी रेगुलर आर्मी होगी, 50 लाख लोग ये होंगे, और जैसे जैसे 20 वर्ष बाद होंगे तो भले ही उनकी आयु 60 वर्ष हो जाए, भले ही उनकी आयु 40 वर्ष हो जाए, तो आज के 20-25 साल बाद ऐसे करोड़ों लोग देश में होंगे जो देश की सुरक्षा के लिए तत्पर होंगे, जो देश की सुरक्षा करने के लिए मजबूती से खड़े हो जाएंगे। और ये जो पत्थरबाज गर्म दिमाग में पाले बैठे हैं कि हम हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना लेंगे, जिन्ना जो कह गया था मरते समय कि हिंदुस्तान को फतेह करना है, पाकिस्तान का निर्माण इसलिए उसने किया था कि कोई भूमि मिल जाए जिस भूमि से वो भारत भूमि पर आक्रमण कर भारत को फतेह कर सके और यहाँ पर मुगलिया सल्तनत टाइप का कोई सत्ता स्थापित कर सके, वो पाकिस्तान मोदी जी की पॉलिसी से इस समय भिकमंगा बना हुआ है और बहुत बुरी दशा में है गृह युद्ध की तरफ। और भारत में भी लोग लगातार कह रहे हैं कि गृह युद्ध होगा, क्योंकि एक कम्युनिटी मानने को तैयार नहीं है। वो ये मानकर चलती है हमने 700-800 वर्ष तक शासन किया, हमारे उन आक्रांताओं से वो अपने आप को जोड़ते हैं, शासन किया और ये काफिर हमारे ऊपर बैठ गया है। ऐसा भी वो कहते हैं कि हमारा ऊपर वाला हमको सजा दे रहा है इसलिए काफिरों को मेरे ऊपर बैठा दिया है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे समाज में चलती ही रहती हैं। तो फिर ये अग्निवीर या अग्निपथ की जो स्कीम है, ये स्कीम तो मील का पत्थर सिद्ध होगी और सारे मंसूबों को फेल करने वाली है, चाहे सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वेल्थ का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे वो अपने आप को सशक्त करने का मामला हो, चाहे जनता को तैयार करने का मामला हो, चाहे गृह युद्ध से तैयारी का मामला हो, इन सभी मामलों के लिए ये अग्निवीर रामबाण या मैं कहूं कि मील का पत्थर साबित होंगे। तो ऐसी पॉलिसी को कोई स्वीकार क्यों करेगा? CAA की पॉलिसी में कोई गड़बड़ नहीं था, क्योंकि हम किसी मुसलमान की नागरिकता को भारत में छीन नहीं रहे थे। लेकिन जो परसिक्यूटेड बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो लोग आए भारत में, हम उनको निवासिता देने वाले थे। अगर हम उनको निवासिता देने वाले हैं तो भारत के अंदर के लोगों को क्या समस्या है? ये राहुल गांधी ने तय किया था। और आज फिर राहुल गांधी जिस समय ED के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, और वो लगातार प्रियंका वाड्रा ने भी स्टेटमेंट दे दिया ये अग्निवीर जो है वो बड़ी ख़राब पॉलिसी, अग्निपथ बड़ी ख़राब पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि ये जो आक्रांता वर्ग की सोच रखने वाला एक समाज का वर्ग है, वो वर्ग को बड़ा भारी धक्का लगा है। और जो भारत के तख्ता पलट की उम्मीद 2040-45 तक रखे हुए है, वो 2040 तक भारत में अग्निवीर स्कीम के, अग्निपथ स्कीम के तहत 1 करोड़ के लगभग अग्निवीर तैयार हो चुके होंगे, जो आप समझते हैं 1 करोड़ सशक्त ट्रेंड लोग तैयार कर जब भारत में होंगे, तो आतंकवादी कितने बन जाएंगे, कितने अलगाववादी बन जाएंगे, कितने भारत में पत्थरबाज बन जाएंगे, कितने भारत में ये गृह युद्ध सोचने वाले बन जाएंगे, इनकी सबकी हवा निकलने वाली है। इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि इस स्कीम को भारत सरकार वापस ले तो ही उनका लाभ है। मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि 40,000 वैकेंसी की जगह 1,60,000 वैकेंसी निकलने वाली है, 1,60,000 वैकेंसी में 1,20,000 लोगों को मुक्त करने वाले हैं, 40,000 तो भरने वाले हैं जो सेना हर साल लेती है, तो 25% तो रोकने वाले ही हैं। लेकिन ये जो
75% हम छोड़ रहे हैं उसको हम एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रास्ता दे रहे हैं, उसको ट्रेंड कर रहे हैं, उसकी वेल्थ की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, और एक समाज जो गृह युद्ध करने के लिए सोच रहा है उससे निपटने के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। इसको भविष्य में हथियार भी, लाइसेंस भी देंगे और इसको तैयार भी करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसका रिक्रूटमेंट पुनः हो सकता है, ये देश की सेवा करने के लिए काम करेगा। यूक्रेन चल रहा है, यूक्रेन में हमने सबने देखा होगा कि वहाँ का एक एक नागरिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है बिना पैसे के, तो इसमें नौकरी की बात क्यों घुस गई? इसके अतिरिक्त CDS की, NDA की या जो भी वैकेंसियाँ भरी जाती हैं वो तो वैसी निकलेंगी जैसी निकल रही थी। केवल हमने इस योजना के तहत जो सबसे छोटा यानी कि जो सिपाही वर्ग है, मिलिट्री मैन है, उसकी भर्ती या एयरमैन है उसकी भर्ती या नाविक है उसकी भर्ती इसमें डाली है, तो इसमें कष्ट की क्या बात है? सरकार अपने ऊपर ओवरबर्डन ले रही है। अभी सरकार की पूरी स्कीम सामने आ नहीं पाई है, सरकार ने हाईलाइट किया, लेकिन इस पर आतंक मचना शुरू हो गया क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस स्कीम के आने से मेरा तो भविष्य, मेरे लोगों ने या जो बाहर बैठे लोगों ने ख्वाब पाल रखा है कि हिंदुस्तान पर हम कब्जा कर ही लेंगे, जिन्ना की शहादत यानी कि जिन्ना ने पाकिस्तान जो बनाया था वो जिन्ना का स्वप्न भारत में पूरा कर लेंगे, उनका स्वप्न समाप्त तो होने वाला है और किसी हालत में आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए उनको दर्द तो होना स्वाभाविक है। और ये उस हद तक करेंगे जिस हद तक CAA गया, ये उस हद तक जाएगा जिस हद तक किसान मूवमेंट गया, और देखिए कौन सी और हदों को जाते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी से तो, इस स्कीम से तो भविष्य ही चौपट हो गया। जो विचार रखकर रखा था आबादी बढ़ाकर हम ऐसा कर लेंगे या पाकिस्तान के सपोर्ट से ऐसा कर लेंगे या पाकिस्तान सोच रहा था कि हम ऐसा कर लेंगे, ये मुट्ठी भर लोग भारत के विषय में जो गंदा गंदा सोचते थे उन सब के जो जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर गया, फिर जाएगा नहीं, फिर गया। इसलिए ये विरोध स्वाभाविक है, इसका कोई और कारण नहीं है, इसका कोई और सलूशन नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।